Muito maravilhoso. Vai. Hello, check, 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 sir. पर क्या चल रही है? इसको ऑफ रखो भाई. ऑफ ऑफ. Just Shibani, have someone switch off the music for 5 minutes. Come, ठीक है इतना काफी है चलिए. Ma'am, what do you decide here being part of the web series and you know it's a very unique, innovative concept and a very big concept nowadays. So web series, of course, web काफी बड़ा हो रहा है इंडिया में and I'm so excited that my first release on the web as a part of a series is Side Hero. बहुत ही एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट है. आई एम वर्किंग विद अमेजिंग एक्टर्स. कुणाल रॉय कपूर इज़ बियॉन्ड टैलेंटेड. ही इज़ अमेजिंग. बहुत ही अच्छा एंटरटेनिंग कॉमेडी फन एंड वेरी क्लेवर राइटिंग इन दिस प्रोजेक्ट. मेरा ड्रीम था कि मैं रोहन सर के साथ काम करूँ, रोहन सिप्पी सर के साथ, एंड दिस इज़ माई सेकेंड प्रोजेक्ट विद हिम बट रिलीजिंग फर्स्ट. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एंड द फैक्ट दैट आई एम वर्किंग विद ईरोस नाउ एंड इट्स द फर्स्ट ओरिजिनल सीरीज. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है. बट द ड्यूरेशन इज लो व्हेन इट कम्स टू पिक्चर फिल्म्स. तो व्हाट इज यू नो व्हेन इट कम्स टू पोटेंशियल शोइंग द टैलेंट ऑफ एन एक्टर एंड एक्ट्रेस. हाउ डू यू नो ड्यूरेशन इज नॉट लो एक्चुअली, क्योंकि हर एपिसोड 20 मिनट के ऊपर है. 8 एपिसोड का एक पहला सीजन का सीरीज है. इनफैक्ट आई फील इट्स इवन ग्रेटर एंड अ बिगर अपॉर्चुनिटी ऑन द वेब बिकॉज ऑडियंस बहुत रिपीट वैल्यू होता है उसमें. आप बहुत बार देख सकते हैं, आप उसे अपने टाइम पे अपने समय पे देख सकते हैं. सो काफ़ी प्लस पॉइंट्स होते हैं टू बी ऑन द वेब एंड इट्स राइट देयर. इट्स फॉर एवरीवन टू वॉच इट एट योर ओन टाइम, कहीं भी, कहीं, वेर एवर यू वॉन्ट. इट्स कन्वीनियंट एंड रियली गुड कॉन्टेंट आउट देयर. अभी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव लोग इन्वॉल्व हैं. एक्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको हर किस्म के रोल्स ऑफर हो रहे हैं. सो या स्टेज भी कर लिया. मैं हर काम में इंजॉय करती हूँ. मैं जितना भी काम करती हूँ मैं बड़े दिल से करती हूँ और यही उम्मीद के साथ करती हूँ कि लोगों को मेरा काम पसंद आए. एंड माध्यम जो भी हो, मीडियम जो भी हो, मुझे हमेशा एक ही चीज़ की उम्मीद रहती है, वो है प्यार. एंड आई एम गेटिंग दैट एंड आई वुड ट्राई एंड परफॉर्म वेयर एवर आई कैन. Recently you saw the success of Scared Games, Anurag Kashyap directed. So what do you have to say the limitations of the, you know, when it comes to dialogue delivery or scenes, so that should be a limitation, or you know when it comes to medium because it's not censored as such. So what do you have to say? नहीं, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी होनी चाहिए. वेब में ऑफ कोर्स एवरीवन नोज दैट देयर इज़ नो सेंसरशिप एज ऑफ नाउ, बट आई थिंक वो ही कॉन्टेंट लास्ट करेगा जो फ्रीडम के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी दिखाया जाएगा. एंड साइड हीरो इज़ आउट एंड आउट एंटरटेनमेंट एंड ऑफ कोर्स सेक्रेट गेम्स हैज़ डन रियली वेल फॉर द इंडस्ट्री बिकॉज इट्स शोन अ वे ऑफ एक्सेप्टेंस कि हाँ गुड कॉन्टेंट विल वर्क ऑन वेब ऑन ऑल प्लेटफॉर्म. सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस टाइम्स एंड आई एम होप एंड प्रे कि आपको साइड हीरो पसंद आए. सर बिग बॉस मैंने एक एपिसोड भी अभी नहीं देखा है बिकॉज इस हफ्ते, अगर आप पता नहीं मुझे फॉलो करते होंगे तो मैं आई बिन एवरीवेयर, आई बिन इन ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अहमदाबाद, लखनऊ इन दिस वीक. मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है. एज सून एज आई गेट टाइम फ्रॉम प्रमोशन एंड डूइंग अनदर शो आई विल कैच अप. मैं सारे एपिसोड जितने मिस किए हैं मैं फिर से देखूंगी. बिल्कुल नहीं पता. आई हैव नॉट बीन हियर ओनली, मैं यहाँ थी ही नहीं. थैंक यू. थोड़ा आगे जी, बस 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 बस.
रुके मैंने अगर इनका लॉस कर Sir, what do you think of the new concept Web3? You know, they're very innovative, very big, and in, every big producer, directors, you know, being part of the Web3 scenario. So what do you think? No, this is an interesting space which has been created now for makers, and I think it's a great platform to tell stories. It's high time that we understand this digital platform and go and understand the format and deliver. So today I'm here for Eros Now, looking out for this digital film. But when it comes to picture film, can it be in the future ever be compared to that medium which you have the larger lightning effect when it comes to, you know, visualization as such? It's a different medium from films, but still I feel that it has got its own space. You have the stories which will suit this format, and great for makers, great for viewers, great space to tell stories. Your larger than life project Zero is being released up to someone, so what, how is the interest, you know, regarding the project, and what you have to say, it will bring a different kind of story and scripting kind of, you know, change in the industry as such? I don't know what will change with Zero, but yeah, I'm really excited, and I'm excited that I'll be here with something new, something which I haven't done before, and I'm really looking forward to get that to the audience soon. हाँ तो दिस इज एक्चुअली हाँ तो ये दिस इज नॉट माय फर्स्ट वेब सीरीज मैं इसके पहले आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ ट्रिपलिंग आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ अनदर शो कॉल्ड गोइंग वायरल तो बट आई एम वेरी एक्साइटेड बाय द वेब फॉर्मेट एंड द वेब मीडियम बिकॉज इट इट्स रियली गिविंग आर्टिस्ट अ फ्रेश न्यू प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स और वी आर गेटिंग टू डू सम वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट एंड आई थिंक दैट दिस इज ऑल्सो अ कॉमेडी दैट इज रियली पुशिंग the genre a little bit, especially to what we've been exposed to so far. So, and it's also self-deprecating. I'm making fun of myself a little bit. So bahut maza aaya, not only working with Rohan Sippy, but also with Gohar, with Arjun, with Gopal, a really talented bunch of actors who are all fantastic and have done a great body of work themselves. So, mujhe bahut maza aaya ye series banane mein and just be a part of it. Yeah. And sir, Ramesh Shippy Productions, so you know they have made films. I know. What do you have to say about being associated with Ramesh's production? I actually have been associated with Ramesh ji's production house for the last 10 years now. Maine ek film direct bhi ki thi unke liye called The President Is Coming, and Rohan was very very brave and showed a lot of faith in me to make me direct my first film The President Is Coming. और उसके बाद नौटंकी साला भी हमने साथ में की थी और वी हैव डन अ फ्यू अदर शॉर्ट फिल्म्स टुगेदर एंड आई एम रियली रियली ऑनर्ड दैट द एसोसिएशन विद रमेश सिप्पी प्रोडक्शंस हैज़ बीन
a really long and fruitful one, and just happy that Eros now came on board to and this is their first show, and it's very rare ki ek web platform ek comedy ke saath apna you know platform launch kare, and I think ki this is a big step for Eros now to launch their not launch the platform but to put out their first original content is a comedy, and I think that's great. How do you see the digital platform in the future, because many big stars have been debuting there? I think a digital platform is the way in which people want to consume entertainment. The people want to watch now at their own time, at their own convenience. They want content which is also a little bit more evocative, a little bit more provocative. So, it's rare that you get to see it on screen, पर अपने स्क्रीन पे जो अपने पॉकेट में है वो जो छोटा सा स्क्रीन है और घर पे जो अभी स्ट्रीमिंग के दौरान द स्टफ दैट यू कैन गेट टू एक्सेस ऑनलाइन इज वेरी एक्साइटिंग टू ऑडियंसेस एंड दे कैन वॉच इट एट देयर ओन कन्वीनियंस दे कैन वॉच इट विदाउट हैविंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू बाय अ टिकट तो आई थिंक इट्स रियली द वे आई मीन इट्स अ वे फॉरवर्ड ओके यू आल्सो डेब्यूटेड इन आवर सोशल मीडिया आल्सो इंस्टाग्राम आई नो या द रिस्पांस Well, the response has been good. The following is small but growing. I mean, I'm still getting a hang of it. I don't know exactly what I'm doing, but it's going to take me a little while to get the hang of it. अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आता मुझे क्या दबाना है कहाँ से क्या मुझे कुछ ठीक ढंग से even Twitter I've been on it for a while पर Twitter भी मुझे I mean I haven't tweeted a lot so social media is one thing that I need to get my head around yeah. Thank you. Sir, I want to ask about the Web3's medium right now. We talk about it on everywhere. It's very innovative. But what about the commercial side? When you talk about the commercial side, when it comes to picture films, it's larger than life and the huge money involved in it. So, how beneficial is making a Web3 a filmmaker? That is a very big question but I think the point is I think when Dada Saheb Phalke started making cinema I don't think he was thinking about the commercials industry se judi aur khabrein janne ke liye dekhte rahiye jaisetaise.com